फ्रेंड्स, समोसे, पकौड़ी, आलू पूरी, भजिया, जो भी स्नैक्स हम घर पर बनाते हैं, खाते हैं, उन सबको कंप्लीट करती है, पूरी करती है टमाटो केचप। और आज हम सब घर पर हैं, सब लोग नई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, पकौड़े, भजिया, बहुत सारे स्नैक्स। तो आज हम टमाटो केचप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा इस लॉकडाउन में। और सच मानिए फ्रेंड्स, ये टमाटो केचप बाज़ार से मिलने वाले बड़े बड़े ब्रांड के जो केचप होते हैं ना, उनसे भी अच्छा है और सस्ता है। और आप घर पर बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही सेफ और सुरक्षित। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर ऑल पे करके क्लिक कीजिए। और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये केचप वाली रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेनू और आज आपका गूगल किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने लिए हैं ये बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर। फ्रेंड्स, मैंने छोटे वाले टमाटरों का यूज़ किया है, बहुत बड़े बड़े टमाटर हमने नहीं लिए हैं। आप छोटे वाले टमाटर का भी बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये देखिए, हमने छोटे छोटे टुकड़ों में से कट कर लिया है। और टमाटर का कलर अगर रेड है, अच्छे से पका हुआ टमाटर है, तो उसका केचप भी बहुत ही रेड बनता है बिना अलग से रेड कलर डाले। ये देखिए, मैं बिना कलर के बनाऊंगी और बहुत ही अच्छा कलर आया था। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये मैंने 20 रुपये केजी का टमाटर लिया है, छोटे छोटे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने छोटे छोटे ही प्याज का यूज़ किया है, 3 छोटे छोटे प्याज लिए हैं, जिसे हमने बड़े बड़े टुकड़ों में कट लिया है, और 4 से 5 लिए लहसुन की कलियाँ। और इसे बंद कर देंगे, 3 से 4 सीटी हम पकाएंगे बिना पानी डाले। आप इसको पकाइए, टमाटर अपना पानी छोड़ेगा और अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए, हमने इसमें डाल दिया, अच्छे से ये हो गया है, पक गया है। देखिए अब बिल्कुल कितना ज़्यादा पानी छोड़ दिया टमाटर ने। और ये हमने 3 ली है लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर वाली मिर्चें हैं, बहुत तीखा नहीं होता है ये। तो आप अगर चाहें तो रेड चिल्ली पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें खड़ी लाल मिर्च डाली है। और इसे हम मिक्सर में अच्छे से बारीक पीस लेंगे, पर ध्यान रहे फ्रेंड्स, आप ठंडा होने के बाद ही इसे मिक्सर में पीसिएगा। ये देखिए, हमने उसे पीस लिया अच्छे से, बिल्कुल बारीक, और हम स्ट्रेनर में अच्छे से इसे छान लेंगे। ये देखिए, अब बिल्कुल अच्छे से हम छानना है, ताकि केचप हमारा बिल्कुल स्मूथ बने, अच्छा बने, जैसे हम मार्केट से लेकर आते हैं ना केचप, बिल्कुल वैसा केचप बनकर तैयार हो। ये देखिए, जो उसके टमाटर के छिलके हैं, मिर्ची के जो बीज हैं, मिर्ची के जो छिलके हैं, ये सब अच्छे से निकल जाएंगे। ये देखिए, अब हम ये दूसरा बैच भी डालकर अच्छे से तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 20 रुपये में इतना सारा केचप आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, तो आप ये केचप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, हमने दूसरा वाला बैच भी अच्छे से छान लिया है। हमने लिया है कढ़ाई, और बिना कुछ डाले कढ़ाई में डायरेक्ट हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी, और इसे हमें अच्छे से पकाना है, बिल्कुल धीमी आंच पर पकाइएगा। और इसमें हम डाल रहे हैं सिरका, या अगर आपके पास घर का बना हुआ सिरका है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो बाज़ार में जो विनीगर मिलता है वो डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने 2 टेबल स्पून इसमें डाला है, और 1 कप डालिए चीनी, 1 कप से थोड़ा सा कम है। ये देखिए, ये चीनी और सिरका प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आप बहुत, ये हमने डाल दिया थोड़ा सा नमक, आप बहुत दिन तक इसे रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और नमक हमने 1 टीस्पून डाला होगा, ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं किया हमें। फ्रेंड्स, ये देखिए, अच्छे से ये पकने लगा है, हमें जब तक पकाना है जब तक ये एकदम से थोड़ा थिक ना हो जाए। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, पहले से टमाटर गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, हम चेक करने का इसका तरीका बता देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने डाला है पर इसमें पानी निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, अच्छे से पका नहीं है ये टमाटर। हमने 5 मिनट और उसे पकाया, उसके बाद हम फिर दोबारा से चेक कर रहे हैं। फ्रेंड्स, देखिए, अगर उसमें से पानी नहीं निकलता है, और अगर हम उसके बीच में से लाइन भी अगर बना देते हैं, वो दोनों लाइन जुड़ती नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आपका केचप तैयार हो गया है। ये देखिए, हम मैं लाइन बना देती हूँ। ये देखिए, दोनों लाइन आपस में नहीं जुड़ रही है और पानी भी बिल्कुल नहीं निकल रहा है। हम अभी और उसे थोड़ा देर और पकाएंगे, इसे 4 से 5 मिनट हम उसे और पकाएंगे, उसके बाद फिर से हम चेक करके आपको बताते हैं कि ये तैयार हुआ है या नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी टेढ़ा करने के, प्लेट मैंने टेढ़ी की है, फिर भी ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है कि आपका केचप पूरी तरह से तैयार हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए और कलर देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसा बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है केचप। फ्रेंड्स, आप ट्राई ज़रूर कीजिए, मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। ये देखिए, मैं सॉस बॉटल में भर लेती हूँ इसे। ये देखिए, अगर आपके पास कांच की कोई बॉटल है तो आप उसमें इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये 2 से 3 महीने रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए।
फ्रेंड्स ये देखिए, और मैं इसके जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो भी बिल्कुल एक दूसरे में चिपके गिने, मैं आपको दिखा देती हूँ बनाकर कैसे मैंने तैयार किया है। बॉटल को हमने कर दिया बंद, अब मैं प्लेट के ऊपर डिज़ाइन करके दिखा देती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये देखिए, मैं ड्रॉप ड्रॉप डाल रही हूँ पर ये आपस में जुड़ नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा कैचअप बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी ऐसे अपने जो भी डिशेस बनाते हैं घर पे ट्राई करते हैं नई नई रेसिपी, उसे कैचअप से अच्छे से डेकोरेट कीजिए। फ्रेंड्स ये देखिए कितनी शाइनी बनी है और टेस्ट तो इसका माइंड ब्लोइंग है, तो आप अपने घर पे ट्राई कीजिए और नई नई रेसिपीज़ को डेकोरेट कीजिए इस टमाटो कैचअप से। सो ऐसी ईजी और यूनिक कुकिंग और हेल्दी कुकिंग के लिए देखते रहिए गोकुल किचन, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ ज़रूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स देखिए, इसका कलर बहुत माइंड ब्लोइंग है और टेस्ट तो यम्मी है ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।